बच्चों की शाम फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله Dear kids and viewers of Kids Madni channel ke nazreen, once again we brought a new program called Bachchon Ki Shaam, and in this program we are going to learn new information, we are going to learn a dua also, and we are going to learn some इस्लामिक नॉलेज। तो प्यारे बच्चों आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि सुबह जो मुझ पर सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा कयामत के दिन उसे मेरी शफाअत मिलेगी। सुभानअल्लाह, यानी उसे कयामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सुभानअल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों आइए आज का सवाल कर लेते हैं। आज का सवाल है, कुरान पाक कौन से महीने में नाजिल हुआ। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुरान पाक कौन से महीने में नाजिल हुआ। तो प्यारे बच्चों इसी तरह आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत। बच्चों की शाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله। अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, मक्के और मदीने की बाअदब हाजिरियाँ नसीब फरमाएँ। अल्लाह पाक हम सबको मक्के और मदीने की बाअदब हाजिरियाँ नसीब फरमाएँ। तो प्यारे बच्चों इसी तरह आइए आज का सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। आज का सवाल है, कुरान पाक कौन से महीने में नाजिल हुआ। जी कौन बताएगा इसका जवाब। जी यहाँ तो सबको पता है, तकरीबन सबको पता है, चलें आप बताइएगा। रमज़ान शरीफ में। कन्फर्म है? जी जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह,
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों इसी तरह अब वक्त हो गया है अपने प्रोग्राम में कलाम शामिल करने का, जिसमें होंगे हमारे साथ हसन भाई। तो इसमें आइए हसन भाई का तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप हसन भाई? अल्लाह का कदम है, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा हसन भाई, आज आप कौन से कलाम की तैयारी करके आए हैं? बहुत ही माशाल्लाह से मेरे सुन्नत का बहुत अच्छा कलाम है, या रसूलल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सुभानअल्लाह माशाल्लाह, अमीरा अहले सुन्नत का बहुत ही प्यारा लिखा हुआ कलाम है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम बच्चों की शान। बच्चों की शान करे दे बागी से या
शाम ऐसा अपनी उल्फत का प्यारे बच्चों, इसी तरह हमने अपने प्रोग्राम में कुछ नारे भी लगाए और एक बहुत ही शानदार कलाम शामिल किया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह अब वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरह बढ़ने का, लेकिन उससे पहले हसन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे अंदाज में कलाम सुनाया। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कहानी बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, हम दाखिल हो चुके हैं अपने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, उसका नाम है कहानी। और इस सेगमेंट में मैं आपको आज थोड़ी लंबी सी कहानी सुनाऊंगा। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग कहानी सुनने के लिए रेडी होंगे। कहानी सुनने के लिए रेडी हैं जी? मैं भी कहानी सुनाने के लिए रेडी हूँ। तो आइए कहानी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत पर वाली पर एक बहुत खूबसूरत नन्नी मुन्नी सी तितली थी और उसके बहुत ही प्यारे पर थे, लेकिन उस खूबसूरती ने इसको कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बना दिया था और मकरूर भी बना दिया था। प्यारे बच्चों, वो जहाँ भी अपने पड़ोसी तितली को देखती तो उसका मजाक उड़ाती, उसके ऊपर हंसने लगती। प्यारे बच्चों, ये तो अल्लाह पाक की मर्जी है कि जिसे चाहे पैदा फरमाए, जैसे चाहे पैदा फरमाए, तो हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, है ना? अगर वो अभी पता है ब्लू वाली तितली जो थी ना, बहुत नन्नी मुन्नी प्यारी सी तितली थी, वो तकब्बुर कर रही थी। अच्छा, उसको ये बात पता नहीं थी कि तकब्बुर करना गुनाह होता है और गुरूर करना गुनाह होता है। चुनाचे वो सारे बागों में उड़ती फिरती मज़े करती, और जब उसे वो काली तितली नज़र आती तो फिर वो उसके ऊपर हंसने लगती, उसका मजाक उड़ाने लगती। एक सुबह जब बाग के सब परिंदे चहचहा रहे थे, यानी चह 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 करते ना, अपने अपने बोलियों में बोलते हैं, तो नन्नी तितली सुबह सुबह उठी और अंगड़ाएँ लेते हुए बोली, और सो ज़रूर नए वाले पार्क की सैर करने जाऊँगी। और उस पार्क में पता है क्या कैसे फूल थे, गुलाबी फूल थे। गुलाबी फूलों का रस भी बहुत मज़ेदार होता है। प्यारे बच्चों, वाह! प्यारे बच्चों, अब नन्नी तितली ने क्या सुना, ये सुने, क्या बोला ये सुनिएगा। एक बड़े से फूला गुलाबी फूल के ऊपर बैठ गई और थोड़ी देर बाद उसने उससे एहसास हुआ, उसे फीलिंग आई कि कोई साया मेरे नीचे आ रहा है, उसके ऊपर मंडला रहा है और साया उसको नीचे नजर आ रहा है। तो उसने ऊपर देखा, उसने सर उठाकर देखा, तो फिर एक बड़ा सा परिंदा था जो उसका
उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो वो डर के मारे फौरन इतनी स्पीड से भागी कि वो एक दरख्त की शाख में उसका पर घुस गया। अच्छा, जैसे ही पर घुसा तो उसने झटके से अपना पर निकालने की कोशिश की, अपने पर को निकालने की कोशिश की, लेकिन झटके से जैसे ही पर को निकालने की कोशिश की तो पर टूट गया और फिर वो दरख्त की शाखों में गिर गई और उसके आंखों में आंसू भी आ गए। उसको इतना दर्द पहले कभी नहीं होता था, प्यारे बच्चों। और एक और भी बात बताता हूँ, वो तो शुक्र है कि वो ख़तरनाक परिंदा उसे खा नहीं गया, उसको ढूंढ ना सका और वो वापस चला गया। अच्छा, कुछ देर बाद, और आज, और वरना आज तो नन्ही तितली की जान चली जाती, बाल बाल बच गई। नन्ही तितली बहुत दर्द से देर तक वहाँ पड़ी, देर तक चीख रही थी और बहुत दर्द हो रहा था उसको। अच्छा, जब शाम हुई तो इत्तेफाकन काली तितली उसके पास आई और वहाँ से उसका गुजर हुआ, काली तितली का वहाँ से गुजर हुआ। उसने उस नन्ही तितली को जालियों में गिरी हुई देखा तो उसने कहा, क्या हुआ बहन, सब खैरियत तो है? तो नन्ही तितली ने कहा कि मेरा पर टूट गया जब मैं झटके से अपना पर निकालने की कोशिश कर रही थी, मेरा पर झाड़ियों में घुस गया था, तो जब मैं झटके से निकालने की कोशिश कर रही थी तो मेरा पर टूट गया और मैं झाड़ियों के नीचे फूल के ऊपर गिर गई। तो फिर काली तितली, जिसका मजाक उड़ाया जाता था, वो नीचे आई और उसने इतना खिदमत किया, नन्ही मुन्नी तितली को अपने घर लेके गई, उसका बंदोबस्त किया, उसको खाना दिया, उसको धूप के नीचे बिठाया ताकि उसका नया पर निकल आए तो और वो उड़ने के काबिल हो जाए। अच्छा, कुछ दिनों बाद जैसे ही नन्ही मुन्नी तितली का वो पर निकल आया और वो उड़ने के काबिल हो गई, उसने उड़ने की कोशिश की तो वो उड़ने के काबिल हो गई और वो उड़ने के काबिल हो गई थी तो फिर वो कह रही थी कि अल्लाह हाफिज़, अब मैं जा रही हूँ, और वो बहुत उदास हुई हुई थी और शर्मिंदा भी बहुत हुई हुई थी। तो काली तितली ने जामनी का जो रस था ना, बहुत जो जामनी फूलों का जो रस था ना, वो बहुत मीठा होता है ना, तो फिर उसने काली तितली ने उसके भरी हुई बोतल ये कहते हुए पकड़ा दी। अच्छा, अभी कुछ और वक्त आराम कर लेना, वरना ऐसा ना हो आपका ये वाला नया पर भी टूट जाए। अच्छा प्यारे बच्चों, फिर वो जो तितली थी, नन्ही मुन्नी तितली थी, उसने उसका बहुत शुक्र अदा किया, लेकिन वो खुश भी हो रही थी और उदास भी हो रही थी। अच्छा, उदास ऐसे हो रही थी कि उसको बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने उसका इतना मजाक उड़ाया लेकिन इसने मेरी इतनी खिदमत की, और खुशी इस बात की हो रही थी कि उसको इतना बड़ा बॉटल रस का मिल गया, तो इस बात पर खुशी हो रही थी, इतनी बड़ी बोतल रस की मिल गई तो उसे इस बात की खुशी हो रही थी। लेकिन और उसने अल्लाह पाक से दिल में वादा कर लिया कि अब से मैं कभी ज़िंदगी में किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, और वो जान गई थी कि बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है, सज़ा ज़रूर मिलती है, बुरे कामों की सज़ा ज़रूर मिलती है। वो ये भी जान गई थी कि तकब्बुर और गुरूर नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, तो इसके बाद कभी भी इसने किसी का मजाक नहीं उड़ाया और उसने माफ़ी भी मांगी, काली वाली तितली से माफ़ी भी मांगी। प्यारे बच्चों, हमें इस स्टोरी से क्या सबक सीखने को मिला जी, आप बताइए फैजान भाई। हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, और कौन बताएगा, चले आप बताइएगा जी, आप माइक लेके, हमें गुरूर सीधे हाथ से जी, हमें गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए जी, हमें गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें इससे एक और सबक भी मिलता है, कौन बताएगा, तकब्बुर और गुरूर के अलावा, चलें आप बताइए। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई हमसे छोटा हो, कमतर हो, या उसका रंग बदला हुआ हो, तो फिर वो काला हो या कोई और रंग का बच्चा हो, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक और भी सबक मिलता है, ये तो आपने बता दिया, किसी को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए, और कौन बताएगा, कुछ और,
कोई और सबक भी मिलता है? क्या मिलता है? चलें आप बताएं रहान भाई। मैं अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए जी, और दूसरों के साथ अच्छा भी करना चाहिए। जी हाँ, हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, और अगर कोई गलती हो जाए या मतलब कोई गलती हो जाए, किसी को अपने से कमतर समझ लिया, तो कोई बात नहीं, उससे माफ़ी मांग लें। प्यारे बच्चों, देखा आपने काली तितली के साथ मुन्नी तितली कितना बुरा सलूक करती थी, लेकिन काली तितली ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन और काली तितली ने उसके साथ बुरा सलूक भी नहीं किया, उसे अच्छे से अपने घर में वेलकम किया, उसे उसने उसकी अच्छी ट्रीटमेंट की, उसका ख्याल रखा। हमें भी इसी तरह बदला नहीं लेना चाहिए, हमें दूसरों को माफ़ करना कर देना चाहिए, और किसी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने कुछ नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिविक सेंस। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट सिविक सेंस के साथ मैं हूं मोहम्मद इरफान। प्यारे बच्चों, हम अक्सर ये देखते हैं कि हम किसी दुकान पर सामान लेने या खुद के लिए चीज लेने जाते हैं तो बच्चे दुकानदार के पास पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। एक बच्चा शोर करता है कि मुझे ये दे दे, और दूसरा ये कहता है कि मुझे दे दे बस। हम सब यही तो चाहते हैं कि सबसे पहले हमें मिल जाए और हम लोग चले जाएं। कभी हम देखते हैं कि कोई कोष लेने जा रहा है तो कुछ लोग वहां पर पहले मौजूद है, तो उनका हक है, चाहे एयरपोर्ट्स, बस, बैंक स्टॉप, अस्पताल, यहां तक कि कोई भी जगह हो। घर से बाहर जहां हम कोई चीज खरीदने या किसी काम से जाते हैं, उस काम के कुछ आदाब हैं। लाइन में लगना और अपनी बारी का इंतजार करना सिविक सेंस में शामिल है। हम इस बात का ख्याल ही नहीं करते कि हमसे कितनी देर पहले लोग दुकान पर आए हुए हैं। हो सकता है कि जब दुकान खुली हो तब से आए हुए हो, लेकिन कोई शख्स आपसे एक मिनट पहले भी पहुंचता है तो आपको पहले उन्हें बारी देनी चाहिए, वो अपनी बारी पर सामान खरीद लें और फिर आप अपनी बारी पर सामान खरीद लें। ये सिविक सेंस में आता है, ये नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन कायम करता है, और ये दूसरों के हक का ख्याल रखना भी है। बहुत सारे बच्चे ब्रेक में जब कैंटीन जाते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं और कहते हैं कि पहले मैं आया हूं, और दूसरा बच्चा कहता है कि पहले मैं आया हूं। हमेशा तकरार यानी लड़ाई से दूर रहना चाहिए और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। जिसकी बारी हो उसे मौका देना चाहिए। हम रश से बचने के लिए दूसरी जगहों पर ऐसा जाहिर करते हैं हमें जल्दी है। जल्दी में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके अमल से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अगर आप अपनी बारी का इंतजार कर लेंगे तो ज्यादा देर थोड़ी लगती है। हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर हम खुद को और दूसरों को तकलीफ पहुंचने से बचा सकते हैं और अच्छे शहरी बनने का सबूत दें। हमारे मजहब में हर शख्स की इज्जत और उनसे तमीज से पेश आने का हुक्म है। हमें चाहिए कि हम खुद से पहले बुजुर्गों और माजूर अफराद को मौका दें। प्यारे बच्चों, आज हमने सिविक सेंस में और भी अच्छी चीजें जानी। मजीद अच्छी चीजें देखने के लिए देखना ना भूलिए सिविक सेंस। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमने सिविक सेंस में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हासिल की और इस्लामिक नॉलेज भी सीखा। और प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं कुछ कॉल्स की जानिब। मेरा नाम शाह जमान अतारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे हमजा भाई, आपके सवाल का जवाब है कि रमजान मुबारक में तूने दिल को मिटाया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा, सर आमीन आमीन। हसन भाई, अगर आपको इस कलाम के कुछ शेर याद हों तो एक दो शेर सुना दीजिएगा। फैज़े रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। फैज़े रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा, तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम मोहम्मद रज़ा, दीन का डंका बजाया
बजाया है इमाम अहमद रजा फैज़े रजा रजा जारी रहेगा इंशाअल्लाह जारी रहेगा इंशाअल्लाह जारी रहेगा अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह नेक्स्ट कॉल मेरा नाम मरियम तारी है मैं बिहारी से बात कर रही हूँ मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी आपके सवाल का जवाब है कि कुरान पाक माह रमजान में नाज़िल हुआ जज़ाकअल्लाह खैर आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की नेक्स्ट कॉल मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ अहमद यार अत्तारी और हम दोनों भाई हैं तौसा शरीफ से हम इकराम में गए मुझे दर पे फिर बुलाना मेरे प्यारे आका मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले माए इश्क भी पिलाना मेरे आका माए इश्क भी पिलाना मदनी माशाअल्लाह जज़ाकअल्लाह खैरा आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और एक बहुत ही अच्छे अंदाज में कलाम सुनाई नेक्स्ट कॉल मेरा नाम मुकद्दस अतारिया है मैं मुजफ्फराबाद से बोल रही हूँ मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह कोशिश करनी है इंशाअल्लाह जज़ाकअल्लाह खैरा आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और हमारा मदनी मकसद सुनाया नेक्स्ट कॉल मैम फातिमा तारी अमीन चनाबाद से मेरे प्यार प्यारे हमसे भाई आपके सवाल का जवाब है रमजान शरीफ में जी हाँ रमजान शरीफ में नेक्स्ट कॉल मेरा नाम अजद तारी है मैं मुल्तान से बोल रही हूँ मुझे आपका जैसा बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है आज मैं आपको ना सुनाऊंगी आंखों का तारा नामे मोहम्मद का उजारा नामे मोहम्मद जज़ाकअल्लाह खैरा आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और बहुत ही अच्छे अंदाज में कलाम सुनाया सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम प्यारे बच्चों अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बुजुर्गों के अकीदे बच्चों की शान प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन इस सेगमेंट में हम सुनते हैं बुजुर्गों के अकीदे और आज हम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक मुबारक अकीदा सुनेंगे प्यारे बच्चों अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये मुबारक अकीदा था कि अल्लाह पाक ने मुझे चांद पर भी इख्तियारात यानी अथॉरिटीज दी हैं वो किसे चले आए मैं आपको इसके मुतालिक एक वाक्या सुनाता हूँ एक बार मक्के के लोगों ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से कहा कि आप हमें कोई मुआजजा दिखाएं तो प्यारे बच्चों आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली यानी इंडेक्स फिंगर प्यारे बच्चों आपके पास है इंडेक्स फिंगर से इशारा फरमाया तो चांद आपका इशारा पाते ही दो टुकड़े हो गया तो प्यारे बच्चों इस स्टोरी से हमें मालूम ये हुआ कि अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को चांद पर भी इख्तियारात यानी अथॉरिटीज दी हैं जब भी तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने चांद को इशारा फरमाया वरना ना तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम चांद को इशारा फरमाते और ना ही चांद दो टुकड़े होता इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर लिया गए हुए दिन को आसर किया ये ताबो तबा तुम्हारे लिए ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह ये ताबो तबा तुम्हारे लिए तो हसन भाई आप ये दो शेर सुना दें इशारे से Oh.
बिस्तरे किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बरकत दे मक्के और मदीने की बादब हाजियाँ नसीब फरमाएँ अल्लाह पाक हम सबको मक्के और मदीने की बादब हाजियाँ नसीब फरमाएँ। तो प्यारे बच्चों आइए आज का सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, कुरान पाक कौन से महीने में नाजिल हुआ? सही है, कुरान पाक कौन से महीने में नाजिल हुआ? इसका जवाब हमारे किंज मदनी चैनल के नाज़रीन बताएंगे। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बढ़ गए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शाम बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों हम दाखिल हो चुके हैं अपने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट में जिसका नाम है क्विज टाइम। और इस सेगमेंट में मैं यहाँ बैठे मौजूद बच्चों से सवाल जवाब करूँगा। तो प्यारे बच्चों आइए आज का पहला सवाल करते हैं, कुछ टाइम सेगमेंट का पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है बताइए, बताएं शैतान कितनी उंगलियों से खाना खाता है? जी एक या दो, कौन बताएगा इसका जवाब? चलिए आप बताइएगा, ये तो सबको ही पता है। जी आप बताइए। एक उंगली से। एक उंगली, माइक थोड़ा करीब करके बोलिएगा। एक उंगली से। एक उंगली से कन्फर्म है? पाँच उंगलियों से तो नहीं खाता? नहीं। जी और कौन बताएगा, आप बताइए। एक उंगली से। एक उंगली से कंफर्म है? कंफर्म। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभानअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे अफजल जन्नत का नाम बताइए। जी सबसे अफजल जन्नत का नाम क्या है, आप बताइए फैजान भाई। जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस, और कौन बताएगा, आप बताएं। माइक माइक भी तो लेना। जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस, आप दोनों का जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगला सवाल है, वुजू में चेहरा धोते वक्त चेहरा कितनी बार धोना चाहिए? वुजू में चेहरा कितनी मरतबा धोना चाहिए? जी आज तो सभी को पता है जवाब, चले आप बताइए। तीन दफा। तीन दफा, तीन मरतबा, कौन बताएगा? चले आप बताएं हसन भाई। तीन दफ़ा। तीन दफ़ा, और कौन बताएगा? चलें आप बताइए, माइक ले लें। जी तीन मरतबा। तीन मरतबा, आप सबका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगला सवाल है, सिद्दीक किस सहाबी का लकब है? जी कौन बताएगा इसका जवाब? दोबारा सब ने आँख खड़ा कर लिया माशाल्लाह, आज तो सबको जवाब पता है, सब तैयारी करके आए लगता है ना। हमारा मकसद भी यही है कि सब इल्मे दीन सीखें और हम सब मिलके इल्मे दीन सीखें। तो प्यारे बच्चों अब बढ़ेंगे जवाब के, जवाब की जानिब। जी कौन बताएगा इसका जवाब, आप बताइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक, आप बताइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक, कोई और जवाब तो नहीं है? अच्छा मेरे स्क्रिप्ट में जो जवाब लिखा हुआ है वो है हमारे पहले खलीफा, मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो आप लोगों का जवाब दुरुस्त है, हर सहाबिया नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चारियाराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, माने वनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर जोजे नबी जन्नती 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 जन्नती। तो प्यारे बच्चों अब पूछ लेते हैं आज के प्रोग्राम का, आप आज के प्रोग्राम के सेगमेंट का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल है, नमाज में कितनी मरतबा
नमाज में किस तरफ मुंह किया जाता है? नमाज पढ़ते हुए किस तरफ मुंह किया जाता है जी? आपको नहीं पता? आप बताइए। खाने काबा की तरफ। खाने काबा की तरफ। और कौन बताएगा? आप बताइए। खाने काबा की तरफ। अच्छा, माशाल्लाह। चले इन बच्चों से भी पूछ लेते हैं, आप बताइए। खाने काबा की तरफ। खाने काबा की तरफ। अच्छा, हमने जवाब फैजान भाई और कारी साहब से नहीं पूछा, तो आइए पहले कारी साहब से पूछ लेते हैं। जी, जवाब क्या है? किबले की तरफ। किबले की तरफ। किबला कहाँ है? खाने काबा की तरफ। खाने काबा की तरफ। जी, खाना क्या काबा की तरफ बोलना है। अच्छा, आप बताइए। खाना काबा की तरफ। खाना काबा की तरफ। आप तमाम का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कनीज फातिमा। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। कनीज फातिमा, अच्छी अच्छी कनीज फातिमा। आप अकेली आई हैं? मैं अकेली नहीं आई हूँ, मुझे मेरे बाबा छोड़ कर गए हैं। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। छोटी मुँह से बात बड़ी ये अक्सर कर जाती है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह बल्कि खामोशी के साथ अजान सुननी चाहिए और अजान के बाद दुआ भी मांगनी चाहिए। मैं दुआ तो मांगू। कनीज फातिमा, अच्छी अच्छी कनीज फातिमा, अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। मैं नमाज पढ़ने जा, नमाज का छोटी मुँह से बात बड़ी ये अक्सर कर जाती है। हैं? कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है। हो ना हो, ये अंजला भाई का ही काम होगा, इन्होंने ही कहीं रख दी होगी। अंजला भाई, अंजला भाई। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह से बात बड़ी ये अक्सर कर जाती है। हैं? कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ। अंजला भाई, जाए नमाज कहाँ रखी है? मैं कब से जाए नमाज ढूंढ रही हूँ। वो तो अम्मी के रूम में है, अम्मी ने मुझे आपके रूम से लाने का कहा था। जब मैं लेने गया तो आप कमरे में नहीं थी, इसलिए आपको बताना भूल गया। चले ठीक है, मैं अम्मी के कमरे से ले लेती हूँ। और हाँ, असर की अजान हो चुकी है, सब काम छोड़ दे और नमाज की तैयारी करें। बाबा भी मस्जिद चले गए हैं, आप भी नमाज की तैयारी कर लीजिए। और हाँ, रानिया कहाँ है? वो फातिमा के साथ बैठकर बातें कर रही है। अच्छा चले, आप वजू करके नमाज पढ़ लें। तो ये उसे समझाती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले, मुझे मेरे बाबा छोड़कर गए हैं। ये तो अच्छी बात है। अब जो मैं कहने आई थी वो तो कहना मैं भूल ही गई। आप ही, आप क्या कहना आई थी? मैं आपको नमाज का कहने आई थी। अजान हो चुके है, जल्दी चले और नमाज पढ़ लें। आपको जल्दी क्यों होती है? अभी तो अजान हुई है, नमाज का तो बहुत टाइम बाकी है, हम बाद में पढ़ लेंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम मुसलमान हैं, मुसलमान जब अजान सुन लेता है तो सारे काम काज छोड़ कर नमाज की तैयारी में लग जाता है। और मैंने एक किताब में पढ़ा था कि कुरान पाक में 700 से ज्यादा मर्तबा नमाज का जिक्र है। और नमाज में सुस्ती करने की वजह से अल्लाह ना करे नमाज का टाइम खत्म हो गया तो हमारी नमाज कज़ा हो जाएगी। और नमाज कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए हमें अजान होते ही नमाज की तैयारी शुरू करनी चाहिए। इसी में हमारी भलाई है।
हुनैन अभी आप कह तो बिल्कुल सही रही हैं। हमें अजान होते ही नमाज की तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए, इसी में हमारा फायदा है। चलना फिर वजू करके नमाज पढ़ लेते हैं। जी अभी अच्छी अच्छी कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल अमल कौन सा है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। प्यारे बच्चों, इस फर्जी खाके में फर्जी किरदारों के जरिए हमारी दीनी और अखलाकी तरबियत की कोशिश की गई है। तमाम किरदारों का असली होना जरूरी नहीं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हमने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आए दुआ याद करें। जो की शाम बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम दाखिल हो चुके हैं अपने प्यारे से सेगमेंट आए दुआ याद करते हैं। और आज हम एक प्यारी सी दुआ याद करेंगे, और वो दुआ है मुसाहफा यानी हाथ मिलाते वक्त की दुआ। जी तो प्यारे बच्चों, जी जब किसी से मुलाकात करें तो हमें सबसे पहले सलाम करना चाहिए, और सलाम करें तो उसका जवाब देना चाहिए। इसके साथ साथ मुसाफा यानी हाथ भी मिलना चाहिए, कि ये भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। इसके बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए, यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम। चले आए हम इस दुआ को मिलकर पढ़ते हैं और याद भी करेंगे। आए इसका तजुर्बा भी सुन लेते हैं। अल्लाह पाक हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए। चलें अब दुआ याद करते हैं। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा। यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम। दोबारा दोहराता हूँ, यग़फिरुल्लाहु प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम तक पहुंचा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।